नमस्कार स्टूडेंट, मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कारगिल एमीन रिएक्शन। देखिए कारगिल एमीन रिएक्शन, कारगिल एमीन रिएक्शन या अभिक्रिया, आज हम लोग इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यह जो कारगिल एमीन रिएक्शन जो है वह एमीन की रिएक्शन है, यानी कि इस प्रकार के रिएक्शन जो है एमीन देता है। और हम लोग जानते हैं कि एमीन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन जो है यह रिएक्शन देता है, हम लोग लिख सकते हैं यह रिएक्शन प्राइमरी एमीन देता है, यानी कि यह रिएक्शन और प्राइमरी एमीन देता है। दूसरी बात पॉइंट यह आती है कि इससे हम लोग नाइट्राइड टेस्ट भी करते हैं, इस रिएक्शन के थ्रू, इस रिएक्शन से आइसो नाइट्राइल टेस्ट करते हैं। अब देखिए यह एक टेस्ट जो आइसोनाइट्राइल टेस्ट है, इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अमीन जो है वो किस प्रकार के जो है टेस्ट देगा। तो आइसोनाइट्राइल टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन देता है। ठीक है, आइसोनाइट्राइल टेस्ट जो है प्राइमरी अमीन देता है। थर्ड नंबर देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 की अभिक्रिया अल्कोहलिक के वजह से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक की उपस्थिति में प्राइमरी एमीन से RNH2 से कराते हैं। तो एल्किल आइसो नाइट्राइल का निर्माण होता है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एल्कोहलिक KOH क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेस होंगे। ठीक है, या बेस कैरेक्टर शो करेंगे। अब इस बेस को जब हम लोग एल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे, एल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है, जब इस बेस को हम लोग एल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम इसका जो है रिएक्शन को नोट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा कि हम लोग प्राइमरी एमीन का यूज करेंगे, ये हमारा प्राइमरी एमीन हो गया, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। यहां पे हम लोग ले लेंगे कैटलिस्ट के रूप में एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हमारा
एल्किन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? एल्किन एल्किन नाइट्राइड नाइट्राइड ठीक है, प्लस थ्री केसीएल प्लस थ्री एच टू, यहां पे थ्री एटम भी ले सकते हैं ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हमारा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया इस रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन से आर वेयर वेयर आर इक्वल टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप आर की जगह पे हम लोग सी एच थ्री ले सकते हैं, सी टू एच फाइव ले सकते हैं, सी थ्री एच सेवन ले सकते हैं, डॉट ठीक है। तो एल्किल ग्रुप हम लोग जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे हमारा प्रोडक्ट भी चेंज होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो है कार्बन लेविन की जो रिएक्शन है हमने यहाँ पे इसको नोट आउट कर लिया। अब हम लोग एल्किल ग्रुप को यहाँ पे चेंज करेंगे। जब एल्किल ग्रुप को चेंज करेंगे तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सपोज करिए जो आर है उसको हम लोग सी एस थ्री लेते हैं ठीक है, आर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं सी एस थ्री लेते हैं। ये हमारा इस प्रकार से होगा, यहाँ पे एल्कोहलिक केओएच ले लेंगे, यहाँ पे सी एस थ्री बनेगा एन प्लस थ्री केसीएल प्लस थ्री एच टू ठीक है। तो जब हम सी एस थ्री आर इक्वल टू सी एस थ्री यहां पर लिए हैं तो हमारा यहां पर मेथिल आइसो नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ, मेथिल मेथिल आइसो आइसो नाइट्राइड मेथिल आइसो नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए हम लोग आर की जगह पे एथिल ग्रुप ले लेते हैं। अब ये देखिए ये मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन ठीक है। यदि आर की जगह पे हम लोग सी टू एच फाइव का यूज करेंगे ठीक है, इसी रिएक्शन में एल्कोहलिक केओएच होगा और यहां पर बचेगा सी टू एच फाइव एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस प्लस थ्री केसीएल प्लस थ्री एच टू ओ। तो ये जो है हमारा एथिल एमीन है, क्या है एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन यह है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म है, ये भी क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए हमारा ये है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड एथिल आइसोसाइनाइड ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखिए इस एथिल आइसोनाइट्राइड है, एसिल आइसो नाइट्राइड। अब यहां पे देख लीजिए ये हमने अगर आर की जगह पे अगर हम लोग फेनिल ग्रुप यूज करें यानी कि बेंजीन यूज करें तो भी ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन एनिलीन हो गया, इसकी रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं सी एस सी एल थ्री एल्कोहल KOH और हम यहां पे बन जाएगा हमारा बेंजीन आइसो नाइट्राइड प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री एच टू ठीक है। क्लोरोफॉर्म का हम लोग एक ही मॉलिक्यूल का यूज करेंगे इस रिएक्शन में। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा बेंजीन आइसो आइसो नाइट्राइड
इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन का यूज करके बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% चांसेस रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने। बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये रिएक्शन दे देगा, इस पे कहेगा कि 60 मार्क्स लिखिए, ठीक है, ये रिएक्शन देकर, या इस पे कहेगा कार्बिलेमिन अभिक्रिया पर 60 मार्क्स लिखिए, या तो आपको ऐसे दे देगा कि इस रिएक्शन से यहाँ तक देना और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बना दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि एथिल एमीन से मेथिल आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मेथिल एमीन से मेथिल आइसोनाइट्राइल मेथिल आइसो नाइट्राइल प्राप्त करिए, मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड। या पूछ देगा कि क्या होता है जब क्या होता है जब मेथिल एमीन की अभिक्रिया मेथिल एमीन की अभिक्रिया मेथिल एमीन की अभिक्रिया क्या होता है जब मेथिल एमीन की अभिक्रिया यहां पर देखिए क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये दोनों जो रिएक्शन हम बना रहे हैं, इस दोनों रिएक्शन का जो है एग्जांपल यही दोनों होगा। यहां से यहां पर देखिए मेथिल एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म वही होगा, मेथिल एमीन की अभिक्रिया मेथिल आइसोनाइट्राइल, मेथिल एमीन से मेथिल आइसोनाइट्राइल प्राप्त करना है तो यही रिएक्शन होगा, ठीक है। और मेथिल एमीन इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो इसका भी जो है यही है, ठीक है। इसी प्रकार कहेगा कि एथिल एमीन से एथिल आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करिए, तो हम लोग इसको इसी विधि द्वारा तैयार करेंगे। अब जो है इससे हम लोग कई प्रकार के जो है रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन हमने बनाया है इसको जनरल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि इस रिएक्शन से हम लोग कई प्रकार के रिएक्शन जो है तैयार कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।